अपने इतिहास के बारे में खोज नहीं करेंगे तब तक अपना मूल इतिहास दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे, और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह इतिहास बना भी नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए और ऐतिहासिक जानकारी लेकर। तो दोस्तों, नायक कोई जाति नहीं है बल्कि एक उपाधि है, एक जिम्मेवारी का एहसास है। बिलो के कबीले के मुखिया सरदार नायक या नेता कहलाता था। ये सरदार अपने सर पर नाग का टोटम धारण करता था, जो टोटम यानी कि प्रतीक चिन्ह है, जो नायक समाज का प्रतीक चिन्ह है, नाग है। आगे कालांतर में जब ये कबीले बहुत बड़े होकर बिखरते गए, इन्हीं कबीलों के सरदार मुखिया या नेता भी अलग हो गए, अपने आप को नायक का संबोधन शुरू कर दिया, किंतु अपनी मूल धरोहर से नहीं टूटे, मूल धरोहर यानी प्रकृति से जुड़े रहे। किंतु आज के समय में ये नायक शब्द एक जाति बनकर उभरा है। प्राचीन साक्ष्य की अगर हम बात करें, जो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों से मिले सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं, नायक अन्याय के खिलाफ हमेशा से ही लड़ा है। जो नायक कबीले हैं उन्होंने प्रकृति की पूजा की है, जैसे कि पेड़ को पूजना। उन्हें पता था कि पेड़ हमारा जीवन दाता है, जो हमें श्वास लेते हैं वो हमें पेड़ों से ही मिलता है। प्रकृति की पूजा करना हमें आदिकाल के नायक कबीले से ही सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।